फेस पे जा, फेस के भी क्लोज जो ना, क्लोज जो, क्लोज खड़े खड़े जूम है हाथ में। मेरा नाम एकता सचगोत्रा है। बात करें आज जो फोटोशूट हो रहा है किसके लिए हो रहा है और क्या है? ये फोटोशूट हो रहा है आफ्टर अस विनिंग परफेक्ट मिस इंडिया पेजेंट ऑफ ऑर्गेनाइज बाय परफेक्ट वुमन मैगजीन। इससे पहले भी आप काम कर चुके हैं मॉडलिंग वगैरह में? आई हैव डन अ कपल ऑफ प्रिंट एड्स एंड आई हैव डन टू मोर पेजेंट्स। ये किस तरह की प्रतियोगिता थी जिसमें आप विनर हो गए? कितने थे इसमें? 24 लड़कियां थी एंड इट वाज अ ब्यूटी पेजेंट। सो ब्यूटी प्लस इंटेलिजेंस और ब्यूटी प्लस ब्रेन्स पे हमें जज किया गया। फोटोशूट पहले होता है लेकिन ये बाद में हो रहा है, ऐसा क्यों? फोटोशूट हमारा बिकिनी राउंड में पहले हुआ था बट दिस इज पोस्ट यू नो आफ्टर द पेजेंट। जो भी 3 विनर्स जीते हैं, जो भी 3 ब्यूटी क्वींस बनी हैं, उनका शो फॉर द मैगजीन परफेक्ट वुमन मैगजीन का कवर आएगा एंड अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स इन द मैगजीन में आएगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका जब फर्स्ट टाइम आप रैंप पे थे? सर पहली बार आप रैंप पे उतरे थे? पहली बार नहीं, जैसे मैंने बोला 2 और पैजेंट्स किए हैं मैंने, काफ़ी फैशन शोज खुद ऑर्गेनाइज भी किए हैं। सो इट वॉज नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई लव वॉकिंग द रैम्प, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। कुछ नर्वस थे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। व्हेन आई हिट द रैंप आई जस्ट लव इट। आई थिंक आई वाज बोर्न टू डू दिस, सो आई लव्ड इट। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरे डैड नेवी में थे, सो ही गॉट ट्रांसफर्ड हियर, सिंस देन वी आर इन मुंबई। सो मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ही हूँ। बात करें ये कितनी बड़ी खुशी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है, क्योंकि छोटा है लेकिन अपने आप में एक पहली सीढ़ी कह सकते हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। वेन यू बिकम अ ब्यूटी क्वीन, लोग यू आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो लोग एक्चुअली यू नो दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोलते हैं। तो अगर आप कुछ सोशल कॉज में, किसी अच्छी चीज़ में अपने थॉट्स रखें या अपने यू नो चाहें कि कुछ सोशल सर्विस में कुछ अच्छा काम हो, तो आई थिंक अगर आप जो लोगों को बोलेंगे वो फॉलो करेंगे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट मैसेज। सो आई दैट्स वाई आई Entered this beauty pageant. ये फील्ड काफी मुश्किल है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत मतलब आगे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो है बट आई थिंक हार्ड वर्क हर फील्ड में, नॉट जस्ट दिस फील्ड में, अगर आप हार्ड वर्क करें तो आई थिंक आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, नॉट जस्ट दिस फील्ड। हार्ड वर्क हर जगह जरूरी है। कोई हीरोइन हो या मॉडल हो, एक वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, आपने भी सुना होगा। हाँ हाँ, इसके बारे में क्या राय है आप? आई थिंक मेरा कॉम्प्रोमाइज वर्ड बहुत अच्छा है लेकिन उसको बहुत गलत मीनिंग बना दिया है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं एक्चुअली एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ एंड मेरा यू नो बहुत बड़ा सपना था टू बी अ मॉडल एंड ऑल दैट, बट इंडस्ट्री के डार्क फेजेस भी हैं जिसमें आप इन सब चीज़ों से रूबरू होते हैं। देन यू फील लाइक आपको यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको करना है कि नहीं करना है। एंड फॉर मी इट वॉज कि यू नो क्लीन वर्क, अच्छा काम करना है, दैट्स इट। उसमें ही मैं कुछ नाम पूछना नहीं चाहेंगे, कभी आपको बोला? आई थिंक हर मॉडल कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस करती है, फेस करती है। आपके साथ कैसे कभी हुआ? आपके बोला आपको किसी? हाँ, बोला गया है बट आई थिंक डिग्निफाइड वर्क करना बहुत फॉर अ वुमेन। नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग, हम पेजेंट जीते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग अ परफेक्ट वुमेन। सो आई थिंक ये सब चीज़ों में पढ़ना सही नहीं होगा। क्या बनना चाहते हैं? As of now, अभी मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई थिंक आई वॉन्ट टू डू रियली गुड वर्क। आई वॉन्ट टू ट्रीट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड डू रियली गुड वर्क इन माई फील्ड, बी अ सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मेरे को वहाँ देखना है। नहीं, मेरे को देखिए। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा पटेल है। किसने बात करें, ये किसका फोटोशूट हो रहा है, क्या है? ये ब्राइट परफेक्ट की जो मैगजीन है उसका फोटोशूट हो रहा है, जो हमने हाल ही में जो कॉन्टेस्ट विन किया है, सो दिस इज फॉर दैट।
किस तरह का कॉन्टेस्ट था और कहाँ कहाँ से लोग आए? वेल इट्स अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट और काफ़ी लड़कियाँ थी और सब बहुत ब्यूटीफुल थी और जगह जगह से आई थी. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सब यू नो अलग अलग जगह से लोग आए थे, उनसे मिलना एक काफ़ी अच्छा अलग एटमोसफियर था. एंड इट वॉज गुड कॉन्टेस्ट एंड वेरी हैप्पी. ओरिजिनली आई एम फ्रॉम राजस्थान बट ब्रॉट अप हियर ओनली, सो नाउ आई एम मुंबई कर. कितना मुश्किल था आपके लिए? पहले भी आप काम कर चुके हैं. वेल मुश्किल तो था ही, मेरे लिए स्पेशली था क्योंकि आई बिलोंग टू ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इस फील्ड में आना ही. बट क्योंकि मैंने बहुत पहले, जैसे मैं आई थी तो मुझे लकीली एक शो मिल गया था, टीवी सीरियल किया मैंने. कौन सा? द बडी प्रोजेक्ट चैनल वी पे, तो वो मैंने 8-9 महीने किया. तो मेरी फैमिली को धीरे धीरे मुझ पर कॉन्फिडेंट आया कि शी कैन डू इट. मतलब मारवाड़ी को मुंबई में डालने में टाइम लगा. हाँ, तो उनको मुझ पर थोड़ा कॉन्फिडेंट आया. तो फिर अभी जैसे ये पेजेंट आया तो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने ग्रैब की एंड टुडे आई एम हियर. फोटोशूट हमेशा बाद में हो रहा है, पहले होता है, बाद में क्यों? फोटोशूट हमारा पहले भी हुआ है, पहले जो हमारे फोटोशूट्स हुए वो भी हुए हैं, बट आई थिंक ये आफ्टर विनिंग है, सो मे बी दैट्स द रीज़न. इतना इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है. रैम्प, फर्स्ट टाइम मैं रैम्प पे चली और वो काफ़ी यूनिक और बहुत ही ज़्यादा, ऑफकोर्स नर्वस थे क्योंकि मैं पहली बार रैम्प पे चल रही थी, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट था, बट खुश भी थी मैं, तो इट वॉज गुड. क्या क्या बनना चाहते हैं? Well, like I said, I've done show and I'm interested into the acting. So I think जो भी acting field में मुझे जो भी opportunities मिलेगी future में, मैं उन्हें definitely grab करके कुछ अच्छा करना चाहूँगी अपने acting field में. आपको tips किसने दिया था, कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे रैंप पे चलना चाहिए कुछ? हमारी workshop हुई थी, of course पहले show से पहले हमारे पास choreographer थे जो जिन्होंने हमें रैंप वर्क सिखाई. उनका one second, श्री किजर हुसैन, या सो ही वॉज द कोरियोग्राफर एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे साथ 2 दिन काफ़ी मेहनत की और जिसका रिजल्ट आई थिंक रैम पे आपको दिखा. मतलब आपने पहले उसमें ही बहुत कुछ सीख लिया है आपने? काफ़ी कुछ सीखा, लाइक आई सेड ना, सब अलग अलग जगह से थे. विनर बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीख गए वो है. बिल्कुल, क्योंकि विनर तो वो 2 मिनट का एक, 2 सेकेंड का एक वो मोमेंट होता है, पर वो जर्नी जो होती है आप जो लेते हो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, तो आई थिंक दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस. अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? किसने आइडियल लाइक क्या मतलब पर्सनल करते हैं आप? फिल्म देखकर उसके स्टाइल मारते हैं या फिर उसकी बातें, उसको कि ऐसे बनना चाहिए? मुझे बहुत 90s की सारी एक्ट्रेसेस बहुत पसंद है. मुझे जूही चावला बहुत पसंद है, मुझे माधुरी जी बहुत पसंद है, तो सारी एक्ट्रेसेस को देख के आई हैव ग्रोन अप, तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा सबका इंस्पिरेशन मैं लेती हूँ. आपकी फोटोशूट की बात करें, किस तरह कॉस्ट्यूम था और किसने डिजाइन किया था? हमारी डिज़ाइनर जो थी वो अर्चना कोचर मैम है और उनके गाउन्स बहुत ही अच्छे थे, वेल फिटेड थे और काफ़ी प्रिटी थे, हम लोग काफ़ी अच्छे दिख रहे थे उसमें, तो उनका डिज़ाइन किया हुआ था. और सना खान जी के भी थे जो पहले के हमने 1-2 शूट किए उसमें भी, तो इन दोनों का हम कॉस्ट्यूम था हमारे पास. अर्चना जी के साथ मिलना कैसा एक्सपीरियंस था? अर्चना कोचर मैम को मैंने अक्सर यू नो सेलिब्रिटीज के साथ देखा एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि वो हमारे कॉस्ट्यूम में भी एक सेलिब्रिटी है, बहुत खूबसूरत दिखती है एंड शी इज वेरी प्रिटी, शी इज सो प्रिटी. मैंने जब उनको देखा था वो शॉक्ड कि वो यू नो शी इज अ डिजाइनर एंड शी इज वेरी प्रिटी, और जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करती है और जिस तरह से वो अपने आप को यू नो एक इंस्पिरेशन है अपने आप में. वो बात है, एक नई मॉडल के साथ में खड़े होना बहुत बड़ी बात है जिनका नॉन फेस नहीं है. बहुत बड़ी बात, जब मैंने उनके साथ फोटो भी किया था अर्चना जी से कि नई लड़कियां हैं जिन्होंने कभी रैम वॉक नहीं देखा, उनके साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है. हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे हम और उनके ब्यूटीफुल गाउन पहन के, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू.